हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। फोटोशॉप के प्रैक्टिस बुक में आपका स्वागत है और यह है लेसन नंबर 4। इसमें हम सीखेंगे फोटो को किस तरीके से क्लीन करते हैं, किस तरीके से पेज टूल का यूज करते हैं। तो आज हम नॉर्मली पेज टूल का यूज करेंगे और इससे हम फोटो को क्लीन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद मान लीजिए मैंने कुछ फोटोज मैंने गूगल से निकाल रखे हैं, वो मैं निकाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये फोटो ले लिया। अब इस फोटो में आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं गाइडलाइन को हटा लेता हूँ। इस फोटो में आप देखेंगे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सलमान खान, और यहाँ पे उस वेबसाइट का लोगो है जिस वेबसाइट से मैंने इस फोटो को निकाला था, मैंने इमेज को सेव किया था। तो इस लोगो को मान लीजिए मुझे हटाना है और ये जो नाम लिखा हुआ है इसे मुझे हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे आपको एक पैच टूल दिखाई दे रहा होगा जो मैंने यहाँ क्लिक किया है। तो इस पैच टूल को सेलेक्ट करेंगे। पैच टूल को सिलेक्शन करने के बाद आप उस एरिया का सिलेक्शन कीजिए जिस एरिया का आपको हिस्सा हटाना है या कोई भी चीज़ चेंज करनी है। सिलेक्शन करने के बाद जो इससे रिलेटेड जो इतना भी बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है या जो एरिया आपको यहाँ पे रखना है, जिसका आपको यहाँ पे मतलब डुप्लीकेट एक तरह से रखना है, उस एरिया पे इसे ड्रैग करके छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो नाम था वो गायब हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस एरिया का ऐसी सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद हम इसे ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और जब छोड़ेंगे तो ये देखिए क्लीन हो गया ना। तो इस तरीके से हम पैच टूल का यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल है, इससे भी आप ऐसे एरिया सिलेक्शन कर लीजिए और सॉरी ऐसे यहाँ पे एरिया सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आपको कंट्रोल और एल्ट का बटन दबा के रखना है और उसके बाद इसे ऐसे आपको ड्रैग करना है और इसके ऊपर ऐसे छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ का बैकग्राउंड और यहाँ का बैकग्राउंड सेम था, सिमिलर था, तो इसलिए हमने इसी का डुप्लीकेट यहाँ पे उठा के रख दिया। तो सेम ऐसी ये क्लीन हो जाएगा। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव एज, यहाँ पे 10 के आगे मैं 0 और लगा देता हूँ, 100। सेव। अब मैं आपको डिफरेंसेस दिखा देता हूँ दोनों में। गाइडलाइन, ये देखिए इसमें देखिए यहाँ पे देखिए आपको वेबसाइट का लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लोगो हटा दिया है, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैंने इसके नाम को हटा दिया है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा और देखते हैं कोई फोटो। मान लीजिए मैंने ये वाला फोटो ले लिया, इसमें भी देखिए इसी तरीके से क्या कहते हैं जो वेबसाइट है उसका लोगो है, यहाँ पे नाम है। अब नाम को हटाना तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे भाई, इस पर क्लिक करेंगे और इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे और जो इससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है उस पर आप ऐसे इसे ड्रैग करके छोड़ देंगे तो नाम हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड तो एक जैसा है लेकिन यहाँ पे कुछ जो नाम है वो इनके बालों पर आ रहा है। अगर मैं ऐसे एरिया को सिलेक्शन करके, अगर मैं इस तरीके से इसका एरिया को सिलेक्शन करके और मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बाल और इसका कलर मिक्स हो गया है और मुझे ये क्लीन करना है अच्छी तरह से। तो कैसे करेंगे? तो इसकी जगह हमें करना क्या होगा, पहले तो हम इस वाले टूल से पॉलीगोलन लैसो टूल है, या तो इसका यूज कर लीजिए आप, या तो सबसे अच्छा लोग जो यूज करते हैं वो पेन टूल का यूज करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो पेन टूल का यूज करिए। उसके बाद पेन टूल पे क्लिक करने के बाद आपको एरिया ऐसे सिलेक्शन करना है कुछ इस तरीके से। जब सारा सिलेक्ट हो जाए, जितना आपको मतलब हटाना है वो एरिया पहले सिलेक्शन कर लिया, मैंने पहले ब्लू वाला हटाया है और ये देखिए जो बालों के पास थोड़ा सा अभी अक्षर लिखा हुआ छूट रहा है, और मैंने इसे राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करा, उसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर मैं इसे हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लोन स्टैम्प टूल, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम एल्ट का बटन दबा के जिस बैकग्राउंड को यहाँ पे रखना चाहते हैं उस बैकग्राउंड के कलर पे क्लिक करेंगे, उस बैकग्राउंड के कलर पे, और उसके बाद वहाँ पे ले जाके हम ऐसे चला देंगे। अब आप देखेंगे
कि यहाँ का जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पे फिल हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसे राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से बैकग्राउंड से वो हट चुका है, लेकिन यहाँ पे जो बालों के पास है थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, अब आप देख लूंगा कि बैकग्राउंड का जो कलर है और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। अगर आप कलर का डिफरेंस तो हम बाद में भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ हटाना है तो उसका भी एक तरीका है। आप ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है इसकी जगह आप ये जो हीलिंग ब्रश टूल है इसका भी यूज कर सकते हैं, तो ये एकदम मिक्स कलर उठाएगा। जैसे मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे ऐसे फिल करा, अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा कलर मिक्स कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इसी को जो ये वाला एरिया है इसे हम पैच टूल से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसे उठा के यहाँ ड्रैग करके ऐसे छोड़ देंगे। अब भी थोड़ा सा रह गया है, दोबारा ट्राई करते हैं पेन टूल, उसके बाद ऐसे सिलेक्शन, बालों से थोड़ा सा दूर, फिर राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, एंटर, उसके बाद दोबारा पैच टूल लिया, फिर से सिलेक्शन करते हैं और फिर छोड़ते हैं। ये देखिए थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो जाता है इसमें। ये देखिए अब अच्छी तरह से कलर यहाँ पे मिक्स हो चुका है, सॉरी। ये देखिए अब ये जो बालों के पास रह गया है, ये बालों वाला जो एरिया है ये सही करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल को लेंगे और पेन टूल से इसके बाल का एरिया ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा बाहर से ऐसे, और उसके बाद राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे जाएंगे और उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे, ये वाला क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे, बालों के ऊपर राइट क्लिक करके आप इसका डायमीटर छोटा बड़ा कर सकते हैं, या तो एक स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है उससे भी आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एल्ट का बटन दबाना है और यहाँ पे आपको ऐसे फिलअप कर देना है। अब आप जब इसे राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, और थोड़ा सा कलर और मैच कराने के लिए इस एरिया का ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो कलर एकदम मिक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए अब मैंने इस यहाँ की जो फोटो पे जो लोगो था वो मैंने अच्छी तरह से हटा दिया है, तो इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेव एज, यहाँ पे नाम थोड़ा सा मैं जीरो लगा देता हूँ और ओके। अब मैं दोनों में डिफरेंसेज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नाम था, यहाँ से मैंने नाम हटाया है, और इस जगह देखिए लोगो था, मैंने यहाँ से लोगो हटाया है, जो इनके हेयर के ऊपर था वो भी मैंने हटा दिया और जो बैकग्राउंड में था वो भी हटा दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी टूल का यूज करके, जो हमारा ये पैच टूल है, हीलिंग ब्रश है और ये आपका क्लोन स्टैम्प टूल है, इन टूलों की मदद से हम यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड का जो कलर वगैरह है या हिस्सा है वो सेलेक्ट करके उसके कलर को या उसके लोगो को या जो भी वाटर मार्क है उसे हम हटा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ एक और है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रैच मतलब कोई फ़ोटो है जिसमें स्क्रैचेज हैं, तो उन्हें आप कैसे ठीक करेंगे पैच टूल से। तो हालांकि मेरे पास कोई अभी स्क्रैच वाली फ़ोटो नहीं था, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर ओपन करना है, उसके जो सी ड्राइव है इस सी ड्राइव में आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल मिलेगा। अब आपके जो फोटोशॉप है जो आपके पीसी में पड़ा हुआ है वो कौन सा मतलब बिट का है, 64 है या 32 बिट है, उसमें आप क्लिक करके अंदर चले जाइए। उसके बाद आपको एडोब नाम से फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम फाइल के अंदर, उसके अंदर जाना है, उसके बाद फोटोशॉप पे क्लिक करना है जो भी वर्जन होगा, उसके बाद सैम्पल्स का एक ऑप्शन आएगा इस पर आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सैम्पल्स में जो यहाँ पे पिक कुछ दिखाई देंगे उन्हें आपको देखने के लिए व्यू पे जाके आप उसे थंबनेल कर लीजिएगा या लार्ज स्क्रीन कर लीजिएगा, अगर बहुत सारे ऑप्शन में थंबनेल भी आता है। तो यहाँ पे जब आप इसे थंबनेल या लार्ज स्क्रीन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्स दिखाई देंगे, उसमें देखिए यहाँ पे एक ओल्ड इमेज नाम से पिक है जिसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ फोटोशॉप में। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ फोटो में
दाग धब्बे से दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर आप मान लीजिए दाग धब्बे हटाना चाहते हैं और उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस तरीके से फोटोशॉप में आप वो सैंपल वाले पिक को यूज कर सकते हैं। दोबारा एक बार मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आप कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको अपना माई कंप्यूटर में जाना है, या कंप्यूटर वाला जो वो है ऑप्शन वो क्लिक करना है। और आपको ऐसा है कंप्यूटर वाला ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ड्राइव दिखने लगेंगी। उसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल में जाना है, प्रोग्राम फाइल में एडोब नाम से फोल्डर है उस पर जाना है। उसके बाद फोटोशॉप के अंदर जाना है, उसके अंदर सैम्पल्स के नाम से फोल्डर होता है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर उसका जो आइकन है वो किसी भी टाइप में हो, डिटेल में हो या मीडियम में हो, उसे आपको लार्ज आइकन या थंबनेल कर लेना है। और उसके बाद थंबनेल करने के बाद आपको जो पिक मिलेगी, जैसे ये ओल्ड इमेज की है, उसे आपको ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। उसके बाद जब फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो आपको वो फोटो में आपको दिखाई देंगे कि काफ़ी सारे मतलब दाग धब्बे से हैं या स्क्रैचेज हैं, उन्हें आपको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप क्लोन स्टैम्प टूल से भी हटा सकते हैं और हीलिंग ब्रश टूल से भी हटा सकते हैं, दोनों से हटा सकते हैं। आपको क्या करना है, ब्रश का साइज थोड़ा सा उतना रखिएगा ताकि दूसरे जगह का बैकग्राउंड वो आसानी से उठा के उस पर फिल कर सके। सॉरी, एल्ट का बटन दबाना है, उस बैकग्राउंड का कॉपी करना है और उसके बाद दूसरी जगह आपको वो पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ एल्ट का बटन दबाया, सॉरी एल्ट का बटन दबाया, यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए बैकग्राउंड यहाँ से हट गया। अब ये दाग धब्बे हटाने हैं तो मैंने यहाँ पे एल्ट का बटन दबाया और यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को ऐसे हटा सकते हैं, ये देखिए बैकग्राउंड में जो जितने भी एरर हैं वो मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, ये देखिए। बार बार आपको एल्ट का बटन से एरिया की कॉपी करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड का बटन दबाया तो इस जगह के एरिया की कॉपी करेगा, लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे एक कर्सर दिखाई दे रहा है प्लस की तरह, तो इसका मतलब यह है कि उस जगह की कॉपी कर रहा है वो। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को क्लियर, जो क्लीन करना चाहते हैं वो आप क्लीन कर सकते हैं, ये देखिए। मैंने यहाँ पर अब जैसे ऐड का बटन दबाया इस तरीके से, ये देखिए मैं क्लीन कर रहा हूँ फोटो, सॉरी बैक करते हैं, सॉरी। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ का देखिए बैकग्राउंड क्लीन हो चुका है जैसे पहले था उसकी जगह, और ये वाला जैसे है तो यहाँ मैंने ऐसे ही कॉपी करा और ऐसे क्लिक करूँगा तो ये ऐसी बैकग्राउंड से जितने भी दाग धब्बे थे वो हटते जाएंगे जो पिक के और बैकग्राउंड के हैं, ये देखिए मैं हटा रहा हूँ एक एक करके। तो इस तरीके से उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही आप सारे दाग धब्बे के लिए आप ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, एक एक करके आप ऐसे ही हटा सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आप पैच टूल का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला एरिया का थोड़ा बाल वगैरह का हटाना है, तो इसके लिए भी मैं पैच टूल का भी यूज कर सकता हूँ। पैच टूल का सिलेक्शन करेंगे, एरिया ऐसे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके जिस जगह का बैकग्राउंड वहाँ पे रखना है आप ऐसे सिलेक्शन करेंगे तो वो दाग धब्बे ऐसे हट जाएंगे, ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में समझा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी भी करना पड़ रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखा दिया जाए क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक काम होता है और इसे थोड़ा सा करने के लिए टाइम भी चाहिए। अब मैं इसे यहाँ पे ऐसे देखिए, ये देखिए मैं चेंज करता जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब मैंने करीबन सारे जो इसमें डस्ट टाइप के थे या कह लीजिए जो स्क्रैचेस थे या कह लीजिए जो गड़बड़ी थी वो मैंने क्लीन कर दिया है, अब आप देख सकते हैं। और इसे मैं अब सेव कर लेता हूँ, सेव एज, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ अपने पीडी में ओल्ड इमेज वन करके। और मैं आपको अब दोनों पिक में डिफरेंसेस दिखा देता हूँ, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ़ोटो। अब देखिए एक पिक ये है और दूसरा पिक
सैंपल वाला ये है। मैं इसे का भी थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अब आप देखिए दोनों में देखिए मैंने स्क्रैचेज इसमें देखिए हटा दिया और इसमें स्क्रैचेज हैं। तो इस तरीके से डिफरेंसेस देखने को आपको मिल रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप स्क्रैचेज वगैरह हटा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से पैच टूल का यूज कर सकते हैं। हाँ, आप अगर यहाँ पे पैच टूल से भी हटाना चाहते हैं तो आप पैच टूल से भी हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ये पैच टूल ले लिया, पैच टूल को आपको सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको उस जगह पे रखना है जिसका बैकग्राउंड आपको चाहिए। यहाँ पे जो बैकग्राउंड से रिलेटेड वाले एरिया पे आपको ऐसे रखना है। तो आप पैच टूल का भी यूज कर सकते हैं। मैंने हीलिंग ब्रश का यूज किया था अभी, अब मैं पैच टूल का देखिए यूज करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए देखिए पैच टूल से भी आप इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ चला चला के। ज़्यादा हो गया, ये देखिए। देखिए मैंने क्लीन कर दिया है ये देखिए। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पैच टूल से भी आप ठीक कर सकते हैं और आप चाहें तो हीलिंग ब्रश से भी ठीक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। और फोटोशॉप पे देखिए डिपेंड करता है कि आपका मतलब हाथ किस टूल पे बैठा हुआ है या आप किस टूल की मदद से ज़्यादा अच्छा क्लीन कर सकते हैं फ़ोटो, या आप सफाई से उस पर वर्क कर सकते हैं, तो आप उस टूल का यूज कर सकते हैं। पैच टूल भी ठीक है और हीलिंग ब्रश भी है। सभी टूल अपनी अपनी एक जगह रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से पैच टूल का यूज करें या फ़ोटो किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, या फ़ोटो के पीछे अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आप उस इमेज पे जो लिखा हुआ मैटर है उसे कैसे हटा सकते हैं, आप लोगो कैसे हटा सकते हैं। और बाकी मैं इससे भी रिलेटेड और भी वीडियोज़ डालता रहूँगा। और वीडियो को अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे पेज पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।